अजी मंसूर मलंगी ने मेरा गीत रिलीज किया था धोखा तुसा या मैं कीता है मेरा अल्लाह जानदा है, और अल्लाह दिता लूने वाला ने ये एक मेरा गाना गाया था कोई दसो आ सजन का हाल ओ दरे बहु वडे हैं। इस तरह मोहम्मद शफी भट्टी साहब ने कुछ काफ़ी सारे गाने गाए हैं मेरे, मुझे तो याद नहीं भी नहीं है कि कितने गाने उन्होंने गाए। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं अली अमजद चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, खान मोहम्मद खान साहब, जनूबी पंजाब सराय की खिता का एक बड़ा नाम है शायरी की दुनिया में, जिन्होंने फरोग अदब के लिए सराय की फरोगे अदब के लिए अहम तरीन किरदार भी अदा किया है। पाकिस्तान की मारूफ तरीन शख्सियात जो इस सराय की खत्ते से ताल्लुक रखती थी, उनके करीबी दोस्तों में शामिल रहे शाकिर शुजाबादी हों या फिर और सराय की खत्ते के बड़े नाम, ये उनके साथ रहे। पाकिस्तान के मशहूर गुलूकारों ने, चाहे मंसूर मलंगी साहब हों या फिर कोई और, उन्होंने इनके लिखा हुआ कलाम गाया। खान मोहम्मद खान साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि सराय की खिते के लिए उनकी खिदमत कब से है, कब से वो सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खान मोहम्मद खान साहब, आप सराय की खिते से ताल्लुक रखते हैं, जनूबी पंजाब के अहम तरीन जिले मुजफ्फरगढ़ की आखिरी यूनियन काउंसिल चक पर आजिद है, आप इतना सामने नहीं आ सके, उसकी वजह क्या थी कि आप इस पसमानदा यूनियन काउंसिल से थे जो इस वक्त आखिरी यूनियन काउंसिल है जनूबी पंजाब की, या कोई और वजह थी? यही वजह है जनाब कि हम यूनियन काउंसिल जो है ये आखिरी यूनियन काउंसिल है, इसलिए हम आगे नहीं जा सके, ना ही इतने कोई रिसोर्सेज थे जिसकी वजह से हम आगे आ गए। लेकिन हमने इस काम को सर अंजाम देने के लिए अब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। आपकी ख्वाहिश थी कि आप भी बैन अल-अक़वामी सतह तक या कम अज़ कम कौमी सतह तक जाते, वहाँ अपने कलाम को पेश करते, आपकी भी ये ख्वाहिश थी? बिल्कुल, हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि हम बहुत बड़े स्टेजों पर जाते और अपना कलाम सुनाते। उसकी वजह क्या है खान मोहम्मद खान साहब के पसमानदा इलाके से जो रहने वाले लोग हैं, जो बैकवर्ड एरिया से हैं, उन्हें आने के मौके क्यों कम मिलते हैं? उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते ना, गरीब आदमी होते हैं इसलिए वो आगे नहीं जा सकते। शाकिर शुजाबादी जैसे नामवर जो शायर हैं, उनके साथ भी आप रहे? जी, मैं उनके साथ भी काफ़ी अच्छा रहा हूँ और उनके साथ काफ़ी सारे मुशायरे पढ़े हैं। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे गुलूकार हैं जो कौमी नहीं, जिन्होंने बैन अल-अक़वामी शोहरत हासिल की, उन्होंने आपका लिखा हुआ कलाम गाया? बिल्कुल गाया है जी, जैसे कि हाजी मंसूर मलंगी, मोहम्मद शफी भट्टी साहब हैं, और मोहम्मद शफी नाज पीर अब्दुलरहमान वाले थे, काफ़ी सारे अला दिता लूने वाले ने भी काफ़ी सारे मेरे गाने गाए। अच्छा, अला दिता लूने वाला साहब हैं या फिर हाजी मंसूर मलंगी या शफी भट्टी साहब, दीगर जो और बड़े गुलूकार हैं नामवर जिन्होंने आपके गीत गाया, हाजी मंसूर मलंगी साहब ने आपका कौन सा लिखा हुआ गीत गाया था? अला दिता लूने वाला साहब ने आपका कौन सा लिखा हुआ गीत गाया था? हाजी मंसूर मलंगी ने मेरा गीत रिलीज किया था धोखा तुसा या मैं कीता है मेरा अल्लाह जानदा है, और अला दिता लूने वाला ने ये एक मेरा गाना गाया था कोई दसो आ सजन का हाल ओ दरे बहु वडे हैं। इस तरह मोहम्मद शफी भट्टी साहब ने कुछ काफ़ी सारे गाने गाए हैं मेरे, मुझे तो याद नहीं भी नहीं है कि कितने गाने उन्होंने गाए। अच्छा, ये कहा जाता है आपके बारे में, एक मशहूर है कि एक ऐसा मुशायरा था जहां आपसे 7 दफ़ा मुसलसल कहा गया, एक दफ़ा आपने अपना वो दौड़ा पढ़ा, फिर कहा गया कि फिर पढ़ें फिर पढ़ें, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 7 दफ़ा आपको मजबूर किया गया हो? उन्होंने जाने अड्डे ना अपनी शरी से मोहसिन छोटा है ना लम्मा झूठा लाए के मौज दियाँ लाए तू मैंने तुम्हें हाथ छोड़ दिखा है ना उन्हें डाण दे खौफ तो एक बारी आज थोड़ा जिया बात घबरा है ना उन्हें गली वाले पास खान मैं अमना उन्हें भज के साथ बला है ना। अच्छा, इसका पस मंजर क्या था? ये भी कहा जाता है कि ये जिस दिन आपने दौड़ा वहाँ पड़ा था, जिसे 7 दफ़ा लोगों ने बार बार आपको मजबूर किया, ये कहीं आपको उस्ताद साहब का हुक्म मिला था और आपने सफ़र शुरू किया और सफ़र जब ख़त्म हुआ तो आप ये लिख चुके थे, पस मंजर क्या था? ये एक पस मंजर था कि उस्ताद साहब ने मुझे कहा इस तरह की, मैं आपको एक ज़मीन देता हूँ दौड़े की, तो आपने दौड़ा लिखना है, और मैंने वो दौड़ा लिखा। हम गढ़ मोड़ से बैठे बस में, तो उस्ताद साहब ने कहा कि दो आदमी थे, दोस्त थे, उनमें कुछ झेड़ा झगड़ा या लड़ाई हो गई,
वो जुदा हो गए एक दूसरे से। तो जो आशिक था वो एक दिन गली से जा रहा था, गली से वेंदा पे आई तो सबे क्या भाई वो मासूक जड़ी है पुराने दौर रिवाज आई जी वो दरख्तों उत्ते बच्चों पींग आड़ के देंगे ओदी मासूक जड़ी आई पींग कहती खलोती आई उस जूटा लिया तो बहर वेख्या भाई मेरा तो आशिक आंदा पिया सा दरवाजा खुला पिया हो सकता है भी अंदर आ जाए साड़ी तो लड़ाई है आपस के पीर तो वापस लत्ती से उस भज के दरवाजा दे लिया है सारा मंजर जड़ा है वो आशिक अपनी अखी बहुत आई। इस वास्ते जनाब कुछ दिन बाद उन्होंने रसाई हो गई फिर वो जिसले गया अपने मतलब महसूक के घर तो अपना पहला कदम ही उस अंदर रखा थे उस जड़ी गल अपनी महसूक नी वो दौड़ाई जनाब जरा जनाब खान मुहम्मद खान साहब जैसे लोग के जो इंतहाई एक इस वक्त कंपर्सी की हालत के अंदर रह रहे हैं पसमांदा इलाकों के अंदर रह रहे हैं इनके गाए हुए गीतों की वजह से गुलकारों को बैनुल अक्वामी शोहरत मिली, कौमी शोहरत नहीं बल्कि बैनुल अक्वामी शोहरत मिली, लेकिन उनको इस मंजिल तक पहुंचाने वाले लोग आज भी सिर्फ इस वजह से पसमांदा है कि वो जनूबी पंजाब के आखिरी जिले की आखिरी यूनियन काउंसिल के अंदर रहते हैं। जरूरत इस अमर की थी कि इन लोगों को इन शख्सियात को भी प्रमोट किया जाना चाहिए था, इन्हें भी सरकारी सरपरस्ती दी जानी चाहिए थी, जिनकी वजह से मुल्क में अदब को फरोग मिला, जिनकी वजह से मुल्क को बैनुल अक्वामी सतह पे भी शोहरत मिली और यहाँ इनके गाए हुए जो इनके कलाम थे और जिनको गुलकारों ने गाया उन्हें बैनुल अक्वामी तौर पर पसीराई मिली, इनका भी हक बनता था कि इन्हें भी वही पसीराई यहाँ दी जाती। अपने मेजबान अलीमजी चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।